आज का दिन में ये अवसर, इतना बड़ा त्योहार छत्तीसगढ़ का, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण करके छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया था। छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी विकास दिख रहा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़ हमें मिला उस दौर में इतनी हालत खराब थी, भूख से मौत होती थी, गरीबी थी। हमारा पूरा फोकस था कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए। 2018 में जब छत्तीसगढ़ 18 साल का हुआ है तो 2025 तक एक विकास की बुलंद इमारत बननी है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अभी 18 साल में या 15 साल में हमने बनाया है, उस कल्पना को आज मैं विजन देख सकता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ जो देश का सबसे पिछड़ा छत्तीसगढ़ था, अब ये छत्तीसगढ़ देश का सबसे आगे वाला छत्तीसगढ़ बन सकता है। अब ये कल्पना हमारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ 2025 में जब ये राज्य अपनी रजत जयंती मनाएगा, तब तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों के हर घर में बिजली, हर गांव में इंटरनेट फैसिलिटी, छत्तीसगढ़ का जीडीपी दुगना हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सबके लिए, जितने कच्चे मकान आज छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सबके लिए पक्के मकान की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सबके लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, छत्तीसगढ़ के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम, वृहद शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का काम। 2025 का छत्तीसगढ़ स्मार्ट छत्तीसगढ़ होगा, हरित छत्तीसगढ़ होगा, सशक्त छत्तीसगढ़ होगा, समृद्ध छत्तीसगढ़ होगा, खुशहाल छत्तीसगढ़ होगा, ये अपना छत्तीसगढ़ होगा, अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ होगा। इसकी कल्पना को साकार करने में हम और सब लगेंगे।